हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरा वीडियो 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता वगैरह सबको दे दिया, सबका पापा और काबू के पापा दोनों सभी लोग करके नाश्ता पानी और दुकान चले गए। और मेरा सारा काम वगैरह भी पड़ा हुआ है करने के लिए, और मैं सब्जी काट रही थी, सोचा आप सबसे बातें करें। और ये देखिए, मैंने सब्जी में आज गोभी और आलू बनाने वाली थी, तो फ्रेंड्स मेरा गोभी खराब निकल गया। ये इतनी सारी गोभियाँ मैंने निकाल दिया है, इसमें देख लीजिए सारी खराब निकल गई, तो कट कर लिया है मैंने, जो बची थी वो गोभी मैंने कट कर लिया है। और अब चलते हैं, बनाते हैं सब्जी। और सब्जी बना के मुझे अभी थोड़े बहुत और काम करने हैं। और फ्रेंड्स, आज यहाँ इंदौर का मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रहा है, क्या बताएं, बारिश हो रही है उधर से ठंडी चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। और कपड़े धुलने को बहुत ढेर सारे हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, कपड़े धुलना है, फिर भी सोच रहे हैं कपड़े कैसे धुलें। देख सकते हैं आप लोग, दिख नहीं रहा है लाइट से, ये देखिए कैसा अंधेरा अंधेरा सा मौसम हो गया है। और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, हो रही थी, अब नहीं हो रहा है, और ठंडा हो गया है पूरा मौसम। और अब चलते हैं फ्रेंड्स, बनाते हैं किसी तरह से कपड़े भी सुखाने। और मेरे घर में देख लीजिए, पूरा सजा हुआ है मेरा घर, ये देखिए कपड़े से। और मैंने बीच वाले कमरे, पीछे वाले कमरे में जिसमें पापा रहते हैं, उस वाले कमरे में भी डाल रखा है कपड़े। और देख लीजिए, ये साड़ी मैंने धुलाई नहीं, वो काबू की दवाई लेने गई थी तो पहन कर गई थी, मैंने धुलाई नहीं, क्योंकि ये जो लगे हैं ना स्टोन वगैरह, ये फ्रेंड्स अगर धुल देती तो ये सूखते हैं नहीं, तो खराब हो जाते, सारे निकल जाते, तो इसलिए मैंने इसको नहीं धुला। और ये इतने सारे कपड़े अभी धुलना है, और बाकी सारे धुले हुए टंगे हुए हैं, और कुछ कुछ मैंने प्रेस करके दे दिया है। और बाहर भी आप सबको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, वहाँ से वहाँ तक सारे कपड़े डाले हुए हैं, और बहुत सारे कपड़े अभी धुलना है फ्रेंड, क्या करें समझ में नहीं आता। बारिश पता नहीं कब बंद होगी, कब धूप चालू होगा, तो कोई नहीं फ्रेंड्स, किसी तरह से निकलेगा ये भी दिन। और अब चलते हैं, बनाते हैं सब्जी। और सब्जी में मन नहीं कर रहा है आलू गोभी बनाने का, पर क्या करें। और ये देख लीजिए मेरे मक्के हैं, मैंने सुखा लिया है। और ऐसा कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स, ये उगेगा कि नहीं उगेगा, ये ऐसा हो गया है क्योंकि ये पापा भुट्टे लेकर आए थे, वही मैंने उबाला था नहीं, छील के वो सुखा लिया है, तो सोच रहे हो क्या पता ये उगता है कि नहीं। मम्मी बोल रही थी यहाँ का भुट्टा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने निकाल लिया है, और क्या मालूम उगता है कि नहीं उगता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं सब्जी बनाते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने प्याज, टमाटर और मिर्ची, लहसुन सारे कट कर लिया है, और तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा डाल दिया मैंने, तो जीरा चटकने लग गया है। अब इसमें डाल देंगे मैंने लहसुन डाल दिया मैंने, और लहसुन को लाल होने देते हैं, और लहसुन मेरा लाल हो गया है फ्रेंड्स, तो अब इसमें प्याज डाल दूंगी मैं, मैंने प्याज डाल दिया फ्रेंड्स, और मिर्ची भी डाल दिया है इसमें, लाल हो जाएगा। और प्याज लाल हो गया है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, तो अब इसमें टमाटर डाल दूंगी मैं,
टमाटर के साथ साथ में इसमें नमक भी डाल दूँगी ताकि टमाटर भून जाए और इसको अच्छे से मिला दूँगी। और अब चेक करते हैं किस तरह से भूलेंगे तो इसको और अभी पकाएंगे। हमारे टमाटर हो गए हैं तो इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया सभी को इसमें मिक्स करके अब सब्जी को डाल दिया हमने से। मैंने मसाले थोड़े थोड़े ऐड किए हैं फ्रेंड्स क्योंकि आज ज़्यादा मसाले की सब्जी खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है थोड़ा तब खुद ही सही है इतना मसाला और इसको ढककर थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे आलू भुना गया है तो मैं पानी डाल देती हूँ इसमें। और सब्जी मेरी बन रही है फ्रेंड्स, तब तक मैं जब तक मेरी सब्जी बन रही थी मतलब धुआं तड़का वगैरह लग रहा था तब तक मैंने तीनों रूम में से झाड़ू निकाल लिया था और मुझे गलियारे में लगाना है और मेरी सब्जी तब तक होएगी तब तक मैं कपड़े भी धुल लूँगी क्योंकि। और देख लीजिए हमारा मंदिर कैसे सुना सुना सा हो गया है। मैंने लाइट निकाल दिया फ्रेंड्स, एक लाइट वो ख़राब हो गई तो मैंने निकाल दिया था, मेरी मंदिर सुनी सुनी से हो गई है। अब उसको बनवाना पड़ेगा तभी ये सही रहेगा। देख लीजिए कैसा सुना सुना सा हो गया है, अच्छा ही नहीं लग रहा। तो अब मैं गलियारे में पोछा लगा लेती हूँ फिर यहाँ से वहाँ तक अभी लगाना है। और सब्जी बनाते बनाते मैंने तीनों रूम में लगा लिया था और मैं ये आम वाली टॉफी खा रही हूँ। और मेरा कछुआ आज दो तीन दिन से बीमार बीमार हो रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए आप सबको दिखा दूँ, ये देखिए ये बैठा हुआ है। इधर आ जाओ बाबू, ये देखिए। और ये फ्रेंड्स उसको इससे मुझे डर लगता है और ये सुस्त सुस्त हमेशा बैठा रहता है पता नहीं क्यों, ये खेलता नहीं है। चल ये देखिए कैसे भाग गया है। और इसके साथ फ्रेंड्स हम सोचते हैं कि ये इसके साथ खेले कूदे ताकि ये थोड़ा सा एक्टिव रहे, पर ये पता नहीं क्या हो गया है
पहले मतलब मेरा छोटा वाला देवर था तो इसके साथ खेलता रहता था, तो ये हमेशा मतलब उछल कूद मचाता रहता था। पता नहीं क्या हो गया इसको। आजा इधर आजा बेटू, आजा 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 आजा। क्या हुआ क्या हुआ? इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये कुछ भी नहीं, इधर उधर आता जाता भी नहीं है, बस एक जगह चुपचाप से छिप के बैठ जाता है, बस बैठा ही रहता है। और मुझे इससे डर भी लगता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसके पास जल्दी आती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है, और लगता है आज हमारे यहाँ धूप भी हो जाएगी। ये देख लीजिए ऐसा मौसम हो गया है, ये देखिए मतलब हल्का हल्का सा धूप जैसा आ रही है। तो मैं फटाफट से झाड़ू निकाल के फ्रेंड्स कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू अगर धूप आ जाएगी तो मैं डाल दूँगी तो सूख भी जाएगा, ये तो सूखेगा भी नहीं। तो मैं कपड़े धुल के फिर आप सबसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ लाइट चली गई है, ये देख लीजिए एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया, एकदम भूत की तरह दिख रहा है। और आज सबने बोला है आधे घंटे के लिए लाइट नहीं आएगी, अभी गली में सब बोल रहे थे देखते हैं कब तक लाइट वगैरह आता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और सूरज भगवान जरा सा दिख जाते तो अच्छा रहता फ्रेंड्स। तो हमारी काबू बिटिया भी आ गई है, देख लीजिए बाय कर दो बेटा, ये बाय नहीं करेगी फ्रेंड्स, इसको बहुत सारी आए। तो अब हम ब्लॉग पर को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और इसको नींद आ रही है, तो बाय बाय दोस्तों।